Κότσιμο μου, σε άμα πάλι με δρά. Τελειού τσολάτ. Απ' το σεντάνε η πατσακτή. Το σεντάνε η πατσακτή. वही राक्षस था विश्वपुरुष शिवदत्त। हाँ, मेरे शरीर में विष उतारते समय उसने कहा था कि उसे मुझ में अम्रपाली नजर आती है। मेरी माँ की मौत के बाद भी अब भी वो उससे बदला ले रहा है। अर्चना, मेरी माँ का बदला मुझे वो विश्वपुरुष शिवदत्त से लेना ही था, लेकिन आज वापस उसने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। उसने तुझ जैसी बहन और दोस्त को मुझसे छीनने की कोशिश की। अर्चना, 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 मैं तेरी सौगंध खाती हूँ। उस नर पिशाच विश्व पुरुष शिवदत्त से मैं बदला लेकर रहूंगी। तभी से इंतकाम बदले के तीन तीन ज्वालामुखी मेरे भीतर धधक रहे हैं। शिवदत्त ने खून किया है मेरी माँ का, शिवदत्त ने खून किया है मेरी प्यारी बहन अर्चना का, और नानी माँ के खून की वजह भी शिवदत्त ही है। मेरे भीतर उमड़ता हुआ ये लावा कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। लेकिन इस बदले के लिए तुम्हें विश्वकन्या बनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि महाराज शिवदत्त तो खुद एक विश्व पुरुष है। इसीलिए मैं खुद को विष के एक खंजर में बदलना चाहती थी, ताकि विश्व पुरुष शिवदत्त का विष मुझे मार न सके और मैं अपना बदला लेने के लिए जिंदा रहूं। और विश्वकन्या बनने का ये वरदान मुझे तुम्हारे चुनारगढ़ के पंडित जगन्नाथ के पिता महातांत्रिक बाबा पुष्कर नाथ से मिला था। जय भैरवी, जय भवानी। इस उम्र में विश्वकन्या बनना बहुत खतरनाक है। मैं विश्वकन्या बनने के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा। मैंने विश्वकन्या बनने की कसम खाई है। इतना पक्का इरादा है? हाँ बाबा। जय भैरवी भवानी, जय भैरवी, जय भैरवी। जय भवानी, जय भवानी, जय अम्बे जगदम्बे। कन्या मुंह खोल, जबान बाहर निकाल।
जय हो, बल्लमगढ़ महाराज की जय हो। कौन हो तुम? आपकी गुनेगार। मैं विश्वकन्या आम्रपाली की बेटी अंबा। अंबा? वो तो अपनी नानी माँ के साथ जलकर खत्म हो गई थी। नहीं महाराज, मैं बच गई थी और आज मैं आपके सामने आपकी गुनेगार अपनी माँ आम्रपाली का कर्जा चुकाने हाजिर हूँ। मतलब? मतलब ये महाराज कि आज मैं विश्वकन्या बनके आपके सामने खड़ी हूँ। विश्वकन्या बनकर? हम प्रसन्न हुए। तूने आदेश पालन की परंपरा को निभाया है। तो अब महाराज मुझे कोई काम, कोई आदेश दीजिए, मैं आपके आदेश की ताबेदार हूँ। अच्छा, हम जरूर तुम्हें आजमा कर देखना चाहेंगे। और तुम्हारा पहला शिकार होगा अमीरपुर का सेनापति सूर्यपाल। जाम और हम तुम्हारी पहली कामयाबी पर खुश हुए। ये लो तुम्हारा इनाम। ये देखो पल्लवी, मेरा पहला इनाम। मुबारक हो अंबा, विश्वकन्या की कामयाबी का पहला तोहफा। हाँ पल्लवी, लेकिन इससे भी बड़े तोहफे की खबर तुम्हारे लिए मौजूद है। कौन सी खबर? ये खबर तुम तक पहुंचाने के लिए मेरी जुबान बेताबी से इंतजार कर रही है। तो बताओ ना पल्लवी, कौन सी खबर? तो सुनो, सुंदरगढ़ की रियासत है ना, वहाँ हथियारों की आजमाइश और दिलेरी के मुकाबलों का खास सालाना जश्न हो रहा है। अम्बा तुम्हें वहाँ पहुंचना होगा। मकसद? इंतकाम। इंतकाम किसका? इस जश्न में शामिल हो रहे सुंदरगढ़ के दोस्त चुनारगढ़ के महाराजा, उनका नाम है शिवदत्त। शिवदत्त? शिवदत्त?
विराजी। सुंदरगढ़ की प्रजा सुनो, हथियारों की आजमाइश, हिम्मत और दिलेरी के इम्तिहान का ये सालाना जश्न शुरू होता है और इस जश्न में हमारे खास मेहमान हैं चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त महाराज। शिवदत्त महाराज की जय। शिवदत्त महाराज की जय। चुनारगढ़ महाराज की जय। मैं नकाबपोश के भेस में चुनारगढ़ के महल के अंदर दाखिल हुई। सावधानी से मैं आगे बढ़ रही थी जहां अचानक मैंने देखा। कभिया, क्या हुआ? अगर इस विषाद पे अभी तुम पैर रख देती तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ हो जाता? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ सभ्या, ये एक लक्ष्मण रेखा है, एक तिलस्म जो पंडित जगन्नाथ हमारी सुरक्षा के लिए तय करके गए हैं। इस तिलस्म ने तो यदि सभ्या की शक्ल तो मुझसे हूबहू मिलती है, फर्क है तो सिर्फ आंखों के रंग का। अब मैं सभ्या बनकर शिद्दत तक पहुंच सकती हूँ। एक दो छह ग्यारह। सभ्या के जाने के बाद मैंने वहाँ छिपकर महारानी कलावती को अपने कक्ष तक जाते हुए देखा। महारानी कलावती के कक्ष में पहुंचने के लिए पंडित जगन्नाथ का जो हिफाजती राज था वो पूरी तरह समझने के बाद मैंने सभ्या का अपहरण करने का फैसला किया। जब मैं सभ्या के कक्ष में पहुंची तो सभ्या वहां कपड़े बदल रही थी। खाने में बांधने के बाद मैं पहुंची महारानी कलावती के कक्ष की तरफ। महारानी
शतल है ये। शतल की तीर के विषाद को तोड़कर महाराज को नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है? पकड़ो उसे, पकड़ो, जाओ पकड़ो उसे। ओ, जो तू है दारा, अब तो मेरे हाथ से नहीं बच सकती। अब मैं तुझे बेनकाब करके छोड़ूंगा। अब मुझे तेरे खास सबूत मिल गया महाराज के लिए, सबूत मिल गया। पंडित जी आप यहाँ? दारा, कैसा है विस्फोट और धुआं? महारानी तो सुरक्षित है ना? हाँ हम सुरक्षित हैं। तो मैं मौके पर वहां पहुंच गई तारा, और मैं निकल गई। तब से यह सभ्या यहां कैद है, और मैं महल में सभ्या बनकर मौजूद हूं। दुनिया की नजरों में मैं ही सभ्या हूं। यह अपना राज मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। अब बताओ, जो सौदा हमने किया था वो तुम्हें मंजूर है या नहीं? मुझे ये सौदा मंजूर है, और इस सौदे के तहत जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है महारानी का कत्ल। ये तो सौदे की पहली शर्त है। महारानी कलावती को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यह तारा और अंबा का भयंकर षड्यंत्र। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश मुझे फौरन किसी भी हाल में करना है। पंडित जगन्नाथ, महारानी, पंडित जी। सभ्या, ये पंडित तो बहुत परेशान करता है। सभ्या, पंडित जी आप यहाँ मेरे कक्ष में? हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सभ्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे मालूम है तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो और वहाँ किस सिलसिले में बैठी है। आप किस सिलसिले में और मेरे कहाँ जाने की बात कर रहे हैं पंडित जी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम सब कुछ समझती हो और जानती हो सभ्या। पंडित जगन्नाथ के साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो। देखो क्या है ये नकाब, मुझे तुम्हारी कक्ष में मिला है। इस नकाब का तुम्हारी कक्ष में होने का मतलब मुझे इसका जवाब चाहिए। सभ्या, इसका उत्तर ये है पंडित जी के महारानी पर कातिलाना हमला करने वाली उस नकाब पोश औरत का मैं पीछा कर रही थी। सभ्या, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल में अहमियत यह है कि नकाब तुम्हारी कक्ष में कैसे पहुंचा। उसी सवाल का उत्तर दे रही हूँ मैं पंडित जी।